नमस्कार सर, मैं हूं प्रोफेसर अल्फा और मैं लेके आया हूं आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल की खबरें। खूब सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में वाकेश्वर ने फिर से गन मचा रखा है, वो फिर से मतलब रोड पे हैं। और फिर हम चलेंगे नेपाल, जहां पे मारवाड़ियों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया है नेपालियों ने। और फिर चलेंगे हम पाकिस्तान। पाकिस्तान जो अपना मतलब जो है दर्द किसी को बता नहीं सकती, उसकी पश्तून लोगों ने वाट लगा रखी है। लेकिन वो बात करेंगे बड़ी बड़ी, रशिया की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, ऐसे वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के आतिशी बच्चे क्या कर रहे हैं? আবারও আদালত প্রাঙ্গণ ঘেরাও কর্মসূচি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের। হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিরুদ্ধে প্যাসিভ শাসনের পক্ষে অবস্থানের অভিযোগ। হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে ফিরছে আন্দোলন। পহলে ইন লোগো নে মতলব শেখ হাসিনা কো ভাগায়া, ফির ইয়ে জুডিশিয়াল সিস্টেমস কে এক্সক্লুড আন্দোলন কর রহে হ্যায়। ইনকা কোই নাহি হ্যায়, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি সে ইয়ে মতলব গ্রাজুয়েট হোতে হ্যায়, ইয়ে পিএইচডি করতে হ্যায়, ইনকো यूनिवर्सिटी एडमिशन की जरूरत नहीं है इनको। मतलब मैं तो कहता हूँ दे दो पीएचडी सपोर्ट ग्रेड दो और सालों को बोलो जो तुमको मतलब झाली मतलब छीने का काम मिलता है और कुछ नहीं, इन लोगों को कुछ करना नहीं है, बस आंदोलन करना है। और फिर एक न्यूज आ रही है बांग्लादेश से, वो ये है जो शेख हसीना जो है, शेख हसीना ने जो छुट्टियां डिक्लेयर की थी उसको रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, দেখতে কি কে রে লো। আগস্ট 7 মার্চ সহ শেখ হাসিনার মা ও ভাইদের জন্মবার্ষিকীতে জাতীয় দিবস বাতিল, শিগগিরই জারি হবে পরিপত্র। একদম পাচ্ছি যে শেখ হাসিনা ছুটি দিয়ে গিয়েছিল उसको वापस कर लिए, ये यही करते हैं। और यूनिस का जो एक पूरी तरह से पकड़, यूनिस ना मोहम्मद यूनिस पूरी तरह से पकड़ गॉन है। রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে 10 ধরনের কৃষি পণ্যের ট্রাক সেল, বেঁধে দেয়া দামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে না ডিম। কবর থেকে উত্তোলন করা হলো বিএনপি নেতা হারিস চৌধুরী। अब वो कब्र से बीएनपी नेताओं का बॉडी निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? उनको फिर से केस चलाना है किसके अगेंस्ट? शेख हसीना के अगेंस्ट, जो उनकी आवामी लीग थी उनके अगेंस्ट, तो केस चलाना है। कब्र जो है नेताओं की बॉडी निकाल रही, किस नेताओं की? बीएनपी नेताओं। तो हमारी बांग्लादेश जो है खूब तरक्की कर रही है, वो डीम है मतलब भले बाजार में नहीं खरीद पा रहे हैं, उसके लिए मतलब नेता जो है एकदम मतलब आवेदन लेटर पे है, दो सौ कम उनको डीम मिल जा रहा है। डीम मतलब है अंडा, हमारी बात। अच्छा, आपको ये चलते हैं नेपाल। नेपाल भी मतलब चल रहा है कुछ मारवाड़ी कमेटी, जो वहाँ पर बिजनेस करते हैं उनको भगाया जा रहा है, उनके खतरनाक पॉलिटिक्स हो रही है नेपाल में। वो एक धर्मशाला करते थे, पद्मपति नाम है, किराए पे वो धर्मशाला करते थे। लेकिन वहाँ के मतलब ही के जो हिल के जो पॉपुलेशन है, जो पीपल, वो उन्होंने मोर्चा खोल रखा है हमारे अगेंस्ट। ये भी एक चाल, एक तरह से जितनी मतलब हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उस पर एंटी इंडियन सेंटीमेंट को बढ़ा दिया जाता है अपने इंटरनेशनल पावर्स के थ्रू, चाहे चाइना हो, यूएसए हो, इससे इंग्लैंड हो, वो मतलब इंडियन सेंटीमेंट से वहाँ पर रूम करें। तो सुनते हैं न्यूज आपका नेपाल से। नेपाल से सबसे पहले जो न्यूज आई थी वो आ रही थी गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको अधिकार मारवाडी सेवा समितिलाई नभएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाई, नौ रोपनी भन्दा बढी जग्गामा किद्दे नजर लगाएको आरोप। काठमाडौँ महानगरले धर्मशाला सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासनसँग माग्यो सुरक्षा। आईपीएल के तहत आईपीएल से ही आईपीएल कार्ड होने वाले हैं इस बार प्लेयर दिल्ली, अब खास नहीं है नेपाल के। सरकारी ठगी प्रकरण में छविलाल जोशी एक महीना देखि थुनामा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न ग्रीन सिग्नल को पर्खाईमा प्रहरी।
देशभर डेंगू संक्रमण बढ़ते क्रम में रवि मनेजर जो है वहाँ का एक मतलब भरता हो गया है, उसने सोशल मीडिया पे यूज करके इसका समय में एक मतलब अपनी पहचान नेपाल पॉलिटिक बनाई। वो होम मिनिस्टर तक उसका दोहरी नागरिकता है यूएसए और नेपाल, उसके चक्कर में मतलब उसके एजेंट जो है कैप्शन के वजेशन से हैं कैसे एक अमेरिकन रीजन नेपाल का होम मिनिस्टर सका उस किसी कैन मतलब कुपित माना गया, आरोप लग रहा है ऐसे ऐसे मिल रही है। बाकी जो जो है दसवें से रिलेटेड है, हाँ भाई नेपाल जो है इतने से मतलब त्रियो पंडल किया हाईवेज जो है मेंटेन किया वगैरह वगैरह, कुछ खास न्यूज नहीं है। एंडल की न्यूज में खास है और डेंगू जो बारिश हुई है जो वहाँ फ्लड आया उसके बाद डेंगू के केस बढ़े, तो ये न्यूज का हारा नेपाल से। तो आपको चलते हैं हमारे फेवरेट कंट्री, जानते हैं हमारा फेवरेट कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। वहाँ पे चल रहा है कॉन्फिडेंस और जो वजीर आजम खत्ते में अमन के फहाँ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान को ज़रूरी करार दे दिया। ऐसे कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हम पुरअमन खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं, आलमी बरदरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की इमदाद पर तवज्जो दे चाहते हैं, अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, पायदार तरक्की के इलाकाई तआवुन और रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है, तमाम ममालिक मिलकर खत्ते की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। वजीर आजम ने तरक्की और खुशहाली के इस सफर में साथ मिलकर चलने की पेशकश कर दी। शंघाई तआवुन तंजीम की सरबराही रूस के सपोर्ट, 2025 तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एस सी ओ की मेजबानी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, रूस को मुबारकबाद दी। एस सी ओ के शुरका ने कॉन्फ्रेंस के ऐलामे पर दस्तखत कर दिए, कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। नायब वजीर आजम ने साकदार और सेक्रेटरी जनरल एस सी ओ कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलामे का ऐलान करेंगे। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में पीछे है, हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया के हालात पेचीदा हैं, दो बड़े तनाजात चल रहे हैं जिनके अपने असरात हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का एससीओ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कोरोना ने तरक्की पजीर ममालिक में बहुत से लोगों को बुरी तरह मुतासर किया, कर्ज का बोझ एक संग। पाकिस्तान और कुछ नहीं, पाकिस्तान में एक मेजर खबर है जो वहाँ की मीडिया जो न्यूज बता सकती है, वो है जो पश्तून लोगों का एक होता है ट्राइबल मीटिंग, मीटिंग मतलब ग्रैंड मीटिंग खप पंचायत होता है वैसे ही हुआ है, तो वो चल रहा है आपका पश्तून जो ट्राइब जो अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है उसको लोग जिरगा रहते हैं और कुछ पीटीआई की रिपोर्ट में नारे वार लगे हैं वहाँ पे, तो इसीलिए बाकी मीडिया जो है इस चीज की पीटीआई जो है इमरान की पार्टी है और वहाँ जो सेम है पश्तून जो है शायद वहाँ पे जो स्टेट है पश्तून लोगों का वो है पश्तून खड़ा वगैरह है कुछ करें, तो पश्तून लोग जो है पंजाबी जो इलाइट है के अगेंस्ट में आंदोलन करने के मूड में रही है। ये न्यूज था आपका नेपाल से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। तो वन अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल सो दैट आई कैन कम अप विद द more news from our neighbor Bangladesh, Nepal,